Hey guys, so men's open bodybuilding की जो प्री जजिंग है वो अब होती है खत्म एंड टॉप सिक्स एथलीट्स की अगर हम लोग बात करें तो टॉप सिक्स में आप लोग देखने को मिल जाएंगे ऑब्वियसली बिग रैमी, ब्रैंडन करी, निक वॉकर, हार्डी शूपर्न, डेरिक लंसफर्ड और एक और बड़ा ही शॉकिंग नेम जिन्होंने सबको शॉक करके रख दिया वो है सैमसन दौदा। सो सैमसन दौदा का यार किसी ने भी इतना हायर प्लेस पे प्रेडिक्ट नहीं किया था, हालांकि जो जजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। कभी उनको सेकंड कॉल आउट वालों के साथ जिसमें कि हंटर एंड ईएन वैलियर ये सब लोग थे एंड सेकंड कॉल आउट में ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि विलियम बोनैक भी थे, तो उन सबके साथ भी रख के उन्होंने कंपेयर किया एंड फिर जजेस को लगा कि नहीं नहीं ये फर्स्ट कॉल आउट में ही आने लायक है। तो मुझे लगता है कि सैमसन दौदा की सिक्स्थ प्लेस तो कंफर्म है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की उसके हिसाब से ही सब कुछ जा रहा है एंड मुझे लगता है कि इस बार सेकंड डेफिनेटली हार्डी शूपर्न ही आएंगे जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था एंड आप लोग बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस बार लगभग सभी के सभी एथलीट्स जो है ना बहुत ही अमेजिंग कंडीशन लेके आते हैं एंड सबसे ज़्यादा इंप्रेस तो मुझे जो डेरिक लंसफर्ड है उन्होंने किया, मतलब डेरिक लंसफर्ड की यार क्या फिजिक उन्होंने पेश की थी एंड लग ही नहीं रहा था कि 212 डिवीजन की कोई एथलीट है। हारी शुपन के बराबर इनको रख के बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था, जजेस इनको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं हारी शुपन के बगल में रख के एंड आप लोग फोटोज़ को देख ही सकते हो यार डेरिक लंसफर्ड की जो फिजिक है यार वो अमेजिंग ही अमेजिंग आ रही थी, क्या गजब के इनके जो कंडीशनिंग वो लेके आए थे एंड साथ ही साथ इनके अगर आप लैट्स देखोगे ना बैक से जब बैक डबल पोस्ट कर रहे थे बैक डबल बाइसेप्स का तो भैया गजब के लग रहे थे। सो बहुत ही अमेजिंग फिजिक दिखाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिग रैमी की, सो बिग रैमी यार जैसा भी उनका नाम है बिग रैमी उसी तरीके से एक चैंपियन की तरह ही आए थे एंड पिछली बार से इनकी कंडीशनिंग, इनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड जजेस की नज़रों में ये मुझे लग रहा है कि चैंपियन बन ही चुके हैं। बात करेंगे अगर निक वॉकर के, तो निक वॉकर भी बहुत ही अमेजिंग फिजिक लेके आए थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे लेकिन हाँ इन्होंने साइज़ जो है वो दिखाया है एंड लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो कंडीशनिंग है बिल्कुल हार्ड बॉडी वो लेके आए हैं, तो उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एंड अगर हम लोग बात करें ब्रैंडन करी की, तो ब्रैंडन करी तो यार बिल्कुल वैसे ही आया था जैसे पिछली बार आए थे, कंडीशनिंग इनकी रहती नहीं, साइज़ को चेस करते हैं। हाँ जो शॉकिंग एथलीट्स हैं जिनको हम लोग बोलेंगे जिन्होंने शॉक करके रख दिया शॉक मैन, वो थे भैया अपने सैमसन दौदा। सैमसन दौदा ने देखिए इस बार साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त गेन किया है एंड इनकी हाइट भी अलग से दिख रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये जजेस की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा आ गए थे एंड साइज़ की वजह से, हालांकि इनकी कंडीशनिंग उतनी कोई अच्छी नहीं थी लेकिन साइज़ की वजह से ही इनको मुझे लगा टॉप सिक्स में रखा गया था। हालांकि जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव मुझे लगे इन टॉप सिक्स एथलीट्स के अलावा वो थे हंटर लबराडा। हंटर लबराडा की यार फिजिक बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, इनकी टैनिंग भी ऑन पॉइंट थी एंड मुझे तो इनकी फिजिक सैमसन दौदा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे लगता था कि इनको रखना चाहिए था उसके अंदर टॉप सिक्स के अंदर लेकिन खैर इनको सेकंड कॉल आउट में रखा गया। सो सेकंड कॉल आउट में हंटर लबराडा थे जिसमें मैंने आप लोग बताया, इसके साथ ही साथ विलियम बोनैक थे एंड एंड्रू जैक थे। एंड्रू जैक ने भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिजिक दिखाई, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े हैं ये साइज़ में, मतलब उनकी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है तो उस पर इतना ज़्यादा मसल मास यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड्रू जैक इनकी कंडीशनिंग भी ऑन पॉइंट थी, पोजिंग भी ज़बरदस्त कर रहे थे, मतलब मुझे तो कहीं से कोई भी कमी नहीं लगी एंड मुझे लगता था कि मैं देखिए सैमसन दौदा से ज़्यादा अच्छे मुझे हंटर लबराडा एंड ये एंड्रू जैक लग रहे थे। हालांकि जजेस की जो पसंद है वो सर्वोपरि ही होती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं फिर से प्रेडिक्शन कर देता हूँ, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की नंबर वन पे आएंगे बिग रैमी, नंबर टू पे आएंगे हार्डी शूपर, नंबर थर्ड पे आ सकते हैं डेरिक लंसफर्ड एंड फोर्थ पे निक वॉकर एंड फिफ्थ पे ऑब्वियसली ब्रैंडन करी एंड सिक्स्थ पे जो पोजिशन फिक्स हो चुकी है सैमसन दौदा की। सो आज के वीडियो में बस इतना ही एंड इसी तरह की जो ओलंपिया की अपडेट्स हैं उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे प्यार से कमेंट कर सकते हो जिसको पढ़ के मैं मोटिवेट हूँ। सो बाय एंड धन्यवाद।